चांद पर लैंडिंग के बाद अब क्या क्या जानकारियां देगा चंद्रयान 3, कब तक एक्टिव रहेगा, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है। मिशन मून की कामयाबी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत के करिश्मे की दुनिया भर में धूम है। नासा समेत दुनिया भर में इसरो की बधाई दी जा रही है। अब आगे की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें लगी हैं। लैंडर विक्रम से निकलकर चांद की जमीन पर प्रज्ञान ने की चहल कदमी शुरू कर दी है। हम चांद पर पहुंच गए बुधवार यानी कि 23 अगस्त के शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के सारे बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बताएगा। 40 दिन पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भारत के 140 करोड़ उम्मीदों के साथ चंद्रमा की तरफ बढ़ा था। 41वें दिन उसने पहुंचकर मैसेज भेज दिया है, भारत वालों मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। और हम सभी भारतवासी भी चंद्रमा की सफल लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। प्रज्ञान रोवर ने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है। देश के सामने पहली तस्वीर आ गई बुधवार सुबह। इसरो ने गुड न्यूज दी और बताया कि लैंडर प्रज्ञान रोवर नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर करना शुरू कर दिया। यानी अब अगले 14 दिन तक प्रज्ञान के जरिए चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। तस्वीर को लैंडिंग इमेजर कैमरे से लिया गया है। इसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिख रहा है। लैंडर का एक पैर के साथ उसकी परछाई भी दिख रही है। तस्वीर में यह भी देखा जा सकता है कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ है वो समतल है। इसरो ने यह भी कहा कि लैंडर और उसके लैंडर और यहां अंतरिक्ष एजेंसी के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स MOX के बीच एक कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया है। सुरक्षित टच आउट सुनिश्चित करने के लिए लैंडर में कई सेंसर हैं, जिसमें एक्सेलेरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर, बेलोमीटर, इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और खतरे से बचने और स्टेटस संबंधी जानकारी के लिए कैमरों का एक सूट शामिल है। अब देश को उस पल का इंतजार है जब प्रज्ञान रोवर चांद के बारे में पुख्ता जानकारी देगा। रोवर प्रज्ञान 6 पहियों वाला रोबोटिक व्हीकल है जो चंद्रमा पर चलेगा और तस्वीर खींचेगा। प्रज्ञान में इसरो का लोगों और तिरंगा बना हुआ है। वैज्ञानिकों की कोशिश बन रहेगी कि रोवर के जरिए चांद से भेजे जा रहे डेटा को देखे एनालिसिस कर पाए। चांद पर लैंडिंग के 4 घंटे बाद प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर निकला। बता दें कि रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहां कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए हैं जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहाँ इयांस और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। चंद्रयान 3 पर चांद पर एक लूनर मतलब कि 14 दिन तक रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी कि 14 दिन डे टाइम रहता है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक लूनर डे तक एक्टिव रहेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की वजह से उसे फिर से रिचार्ज किए जाने की उम्मीद कम जताई जा रही है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम एक अतिरिक्त लूनर डे तक काम कर सकते हैं। वहां उन्हें सूरज से मदद मिलेगी जिसकी वजह से वे खुद को रिचार्ज कर सकते हैं। लैंडर और रोवर दोनों सोलर पावर से काम करते हैं। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहाँ पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी, मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के मिशन का आधा हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा एकत्रित करना। लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान मून बॉब पर निकला है, लेकिन उसे चांद तक पहुँचाने वाला विक्रम का काम पूरा नहीं हुआ है। चूँकि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के पास सिर्फ 14 दिन है, चांद का एक दिन है, उसके बाद रात शुरू हो जाएगी। ऐसे में उन्हें दिन की रोशनी में ही सारा डेटा जुटाना होगा। विक्रम लैंडर ने जहां लैंड किया है वो वहां से नहीं हिलेगा, जबकि रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और जहां जहां से गुजरेगा वहां का डेटा इकट्ठा कर कर के